बेटा एबीसी आर थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवेन, और तीनों आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज है इसलिए इनकोहेरेंट है, तो इसमें कोई फेज डिफरेंस जैसी कोई चीज नहीं लगने वाली। सिंपल, आपने पी पर डी एरिया कंसीडर कर लिया है, इस डी एरिया पर जूल पर सेकंड कितने गिर रहे हैं वो निकाल के डीए से डिवाइड कर देंगे, बस इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी होती है ना जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो इस पर टोटल जूल पर सेकंड कितने गिर रहे हैं वो निकालने हैं अपन। अब वो कैसे निकालें, आपको एक तो दे रखा है पॉइंट सोर्स ए और बी, तो ए से पावर आपको पता है इंटेंसिटी, देखो एनर्जी पर सेकेंड ऑन डी ए ड्यू टू ए, ए सोर्स के कारण पर सेकेंड कितनी गिरेगी, पावर इन टू एरिया, क्योंकि ए से जो लाइट जा रही है वो तो इस डी ए के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो आपको डी ए के कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इंटेंसिटी कितनी होगी पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो ये ए सोर्स के कारण कितने जूल पर सेकंड पी पर गिर रहे हैं, क्लियर है क्या आपको? ए सोर्स के कारण कितने जूल पर सेकंड डी ए एरिया पर गिर रहे हैं पी पॉइंट पर, ये क्लियर है क्या आपको? आई अपॉन सॉरी पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है? बट बी और सी में ऐसा नहीं है, देखो बी से जो जाएगी वो 90 डिग्री पे नहीं गिर रही है, तो आपको इस डी ए वैक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये डी ए वैक्टर था, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर आ जाएगा एनर्जी प्रोपेगेशन, ठीक है? तो बी से पहले इंटेंसिटी लिखिए, आर डिस्टेंस पर, बीपी डिस्टेंस पर, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस 60 कर देंगे। फिर देखिए आप क्या लिख रखा है मैंने, एनर्जी पर सेकेंड ऑन डी ए ड्यू टू बी, डब्ल्यू बी कितनी हो जाएगी, पी बी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसकी इंटेंसिटी हो गई इंटू डी ए इंटू कॉस 60, ये बी के कारण होगी। और पावर दे ही रखी है 90 वॉट पी ए की दे रखी है, 180 वॉट बी की दे रखी है, सी में आपको इंटेंसिटी डायरेक्ट दे रखी है, तो पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सी के लिए क्या करेंगे, सी में भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, सी वाले में भी आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि डी ए वैक्टर इधर है आपका, ठीक है? तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, डी ए कॉस 60 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसमें भी बात क्लियर है आपको कैसे लेंगे? इंटेंसिटी आई है तो आई इंटू डी ए कॉस 60, क्योंकि डी ए वैक्टर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन। बोलिए बेटा, डाउट तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के और भी मिल सकते हैं, तो आप इतने इन्वॉल्व ना हो जाए वाई डी एस सी में फेज डिफरेंस निकालने में कि इनकोहेरेंट सोर्सेज ना देख पाए, उनमें इंटेंसिटी निकालने में कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ डेफिनेशन लगानी होती है। तो एनर्जी पर सेकेंड ऑन डी ए ड्यू टू सी कितनी हो जाएगी, इसको डब्ल्यू सी बोल रहा हूँ मैं, आई सी इंटू डी ए कॉस 60, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है? सबको ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू बाई डी ए देखो ये आ जाएगा निकल के, डब्ल्यू बाई डी ए आ रहा है, पी ए अपॉन 4 पाई ए पी स्क्वायर, पी बी कॉस 60 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, आई सी इंटू कॉस 60, वैल्यू पुट कर दीजिए, डी ए से मैं डिवाइड कर दिया तो अपने आप इंटेंसिटी बन गई। ये सब मैंने जूल पर सेकेंड निकाले थे ना इसमें गिरने वाले, डी ए से डिवाइड कर दिया तो इंटेंसिटी बन गई, कितनी आ जाएगा आंसर आएगा इसका 13.98 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी पी पॉइंट पर स्क्रीन पर इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी 13.98 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तीनों सोर्सेस के कारण अलग अलग जूल पर सेकेंड निकाल के डी एरिया से डिवाइड कर दिया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत बेटा किसी को इनकोहेरेंट सोर्सेस के सुपरपोजिशन में तो मुझे बताइए।